मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि राज्यपाल का अभिभाषण आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तस्वीर पेश करता है और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है उसकी झलक राज्यपाल के अभिभाषण में मिली है। एशियन भारत से बात करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार आने वाले बजट में प्रावधान करने जा रही है। साथ ही कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश के बजट को किसानों के हित का बजट होने की उम्मीद भी जताई है। कृषि मंत्री कमल पटेल से बात की एशियन भारत के ब्यूरो चीफ विनीत पाठक ने। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अब कृषि मंत्री कमल पटेल हमारे साथ हैं। सर, जो अभिभाषण राज्यपाल का था, क्या कहेंगे उस पर, कितने समय? महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, आगे बढ़ रहा है और चहुमुखी विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी गांव, गरीब और किसानों के मसीहा हैं और गांव आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा और इसलिए गांव, गरीब और किसानों के लिए हमने हमारी प्राथमिकता है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जीत कर हम प्रदेश को और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी का नारा उसको हम चरितार्थ कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ मोदी जी और शिवराज जी के गुणगान के अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस तो विपक्ष में कुछ भी कहेगी लेकिन मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो अच्छा काम करता है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और जो गलत करता है उसका तिरस्कार होना चाहिए। तो अच्छे काम की प्रशंसा हो रही है, अच्छा काम कर रहे हैं तब तो प्रशंसा हो रही है मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की। बजट आने वाला है तो क्या उम्मीद जताएं किसानों को लेकर, कृषि विभाग को लेकर क्या कुछ आपने सुझाव इसमें दिए? आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती और किसान को मजबूत करने के लिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए हम किसान की आय दोगुना हो, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको, उसकी ओर सरकार कर संकल्पित है। जैविक खेती का मामला जी की दिशा बदलेंगे और किसानों की दशा बदलेंगे। अब कहते हैं घाटे का नहीं बल्कि लाभ का धंधा बनते जा रही है और हमें कहते हुए गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था किसान की आय दोगुना करने का 2022 तक, उसको मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 21वीं पूरा करने में सफलता प्राप्त की है शिवराज जी के नेतृत्व में। तो साफ तौर पर कृषि मंत्री कमल पटेल कह रहे हैं कि राज्यपाल का जो अभिभाषण था निश्चित तौर पर स्वर्णिम मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की वो रोडमैप है और निश्चित तौर पर आने वाले बजट में किसानों को लेकर, कृषि को लेकर कई नए प्रावधान किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित सोते के साथ विनीत पाठक, एशियन भारत, भोपाल।